शहनवाज हुसैन जी, लग रहा है आपको बिहार में सब ऑल इज वेल है और ये जो भी हो रहा है बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, बेमेल गठबंधन है और उसके वजह से जब ये सरकार बनी तभी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने पहले ही बयान दिया जिसको आपने सुनाया, और पहली बार हुआ 17 साल में नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने कोई मिनिस्टर उनकी कैबिनेट से वॉकआउट कर गया हो, गुस्से में चला गया हो और बाद में उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि वो चोरों के सरदार हैं, सरकार चोर है। फिर उन्होंने कहा कि हम कृषि रोड मैप नहीं मानते, फिर उन्होंने कहा कि हम जदयू के खिलाफ जीत कर आए हैं तो जो एजेंडा हमने बनाया है उसी पर हम काम करेंगे, और उसके बाद कुछ दिन कबल ही 2 दिन कबल बयान आया जगदानंद सिंह जी का जो जदयू के राजद के प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 2023 तक मैं तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएंगे। उसके बाद काफी जदयू और राजद के बीच में गहमागहमी थी, फिर जगदानंद सिंह जी ने ही एक बयान जारी किया और कहा कि कोई भी गठबंधन के बारे में नहीं बोलेगा, सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही अधिकृत हैं। ये बयान उनका कल ही आया और आज कृषि मंत्री का इस्तीफा हो गया है। सवाल ये है कि जो राजद के लोग हैं वो रोज बयान दे रहे हैं, जब जगदानंद सिंह जी ने बयान दिया उसके बाद भाई वीरेंद्र जो उनके वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने भी कहा कि हम नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को गद्दी सौंप देंगे और इस तरह का माहौल बना। उस माहौल में मैं जानता हूं कि कितनी दिक्कत इन दोनों दलों के बीच में है, क्योंकि दोनों दलों के नेता ने एक दूसरे के बारे में पहले बहुत बयानबाजी की है और अभी सरकार में रहते बयानबाजी हो रही है, और नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं लेकिन संख्या बल तो ज्यादा 115 का गठबंधन राजद का है, 4 मांझी जी के लोग हैं तो 119 हो गए, और उन लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो राजद के लोग इसी भाव से बोल चाल रहे हैं। और जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी को जो इज्जत सम्मान देते थे वो सम्मान उनको वहां नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये बयान हुआ और आज तो इस्तीफा हुआ है कृषि मंत्री का, आपका साफ तो नीतीश बाबू यही कह के गए कि वो सम्मान नहीं मिल रहा है उनको, अभी आपका साफ भी तो इसलिए छूटा था सर। नहीं, हम लोगों ने तो सम्मान देने में कोई कसर नहीं की, हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, उन्होंने कहा कि वो हमारे एनडीए के नेता हैं, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे सबका, वो तो कुछ लोगों ने उनको कह दिया कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उसके बाद वो हम लोगों को छोड़कर गए, कोई रीजन नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर साथ में वो मंत्री थे, कैबिनेट में कभी कोई मंत्री वॉकआउट नहीं किया होगा, लेकिन पहली बार हो रहा है कि अगर जो नेता होता जो मुख्यमंत्री होते हैं सरकार तो उन्हीं की होती है, बाकी सहयोगी दल होते हैं, तो उनके यहाँ जो पहली चुनौती है वो उनको जीवन में पहली बार सुधाकर सिंह के तौर पर मिली, जो कैबिनेट की मीटिंग से उनके रोकने के बाद भी वो वहां से चले गए, तो ये शुरुआत हुई है। मैं मानता हूँ कि ये अंजाम नहीं है जो लड़ाई, अंजाम अभी आप क्या मानते हैं कि कुछ और इस्तीफे आने वाले दिनों में होंगे? देखिए, मैं तो ये मानता ही हूँ कि जो लड़ाई अंदर खाने थी, जो बात निकली थी वो दूर तलक चली गई है, और इसीलिए सुधाकर सिंह का इस्तीफा इस सरकार के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि सुधाकर सिंह एक कोई साधारण विधायक नहीं थे, कृषि मंत्री भी थे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू उनके पुत्र हैं, और उनका इस्तीफा देना इसका मतलब यह है कि जदयू और राजद के बीच में जबरदस्त खींचतान है, और जो राजद के लोग हैं उनको लगता है कि उनके लोगों के पास संख्या ज्यादा है, और तेजस्वी जी के बारे में कई बार मुख्यमंत्री जी बोल भी चुके हैं, तो मैं मानता हूं कि जो विषय उठाया गया वो राजद के जरिए या जदयू के नेता उस पर 2 दिन से अनकंफर्टेबल थे, खुद मुख्यमंत्री जी से जब कैमरा लगाया गया तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
इन दोनों तो वो हर विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो मैं मानता हूं कि ये सब सही नहीं है। अब क्या एग्रीमेंट है ये तो जदयू राजद के लोगों को बताना है कि जगदानंद सिंह जी ने तो अभी बयान वापस नहीं लिया। जगदानंद सिंह जी ने तो कहा कि 2023 में जी 2023 में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष राजद के हैं उनका बयान है, ये कोई बीजेपी के नेता का बयान नहीं है। दूसरी बात, जो जदयू राजद के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, आश्रम खोल लेना चाहिए। तो इस तरह की जो बात आएगी नहीं, तो आप क्या मान रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये जगता बाबू बनाम नीतीश है, आप देख रहे हैं इसको, ये उनकी लड़ाई हो गई? नहीं, ये देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, वहाँ सब कुछ लालू जी है, तो जगता बाबू भी जो कुछ बोल रहे होंगे वो लालू जी के मर्जी के खिलाफ। तो सीधी लड़ाई आप लालू वर्सेस नीतीश देख रहे हैं? हाँ, मैं नहीं मानता भाई जगता बाबू, देखिए राजद के लोग कहते होंगे या जदयू के लोग की राष्ट्रीय पार्टी, सर ये लड़ाई करनी थी तो ये लालू प्लस नीतीश क्यों करते जब लालू वर्सेस नीतीश करना था? तो नहीं, ये जो लड़ाई है ये दोनों पार्टी रीजनल पार्टी है, बिहार की पार्टी है, दोनों पूरी सीट पे भी नहीं लड़ती है, और वहाँ जो कुछ भी होता है, जगदानंद सिंह जी तो अभी फिर से अध्यक्ष बने, उनका बयान या उन्होंने तो अपना बयान वापस नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने एक प्रेस रिलीज दी, उस प्रेस रिलीज में कहा कि गठबंधन के बारे में सिर्फ तेजस्वी यादव जी अधिकृत है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो विवाद हुआ होगा।